एवरीवन, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, गुड आफ्टरनून है इस टाइम. और मैं जस्ट सो के उठी हूँ और अभी दिन के बज रहे हैं 12:30. मैं सोचता था मैं मॉर्निंग वाला ब्लॉग बनाऊंगी, पर मुझे इतनी नींद थी, कोई थकावट हो रही थी ना काफ़ी दिन से लेकर, मतलब नींद पूरी नहीं थी, इसलिए मैं भी सोई. तबीयत भी कोई ठीक नहीं थी. गुड मॉर्निंग टाइम भी बोल रहा आप लोगों को गुड मॉर्निंग. तो फिर मैंने किया है अपना ब्लॉग 12:30 बजे से शुरू. और मम्मी पापा झाड़ रहे बाहर अखरोट, और मैं आई थी बाहर देखने के लिए. आज मतलब अखरोट भी झाड़े जा रहे हैं और ये पेड़ भी भाई काट रहा है जी. तो ये देखिए सारा काम लगे हुए सब करने. ये देखिए तो गांव होता है तो गांव में बहुत सारे काम होते हैं, एक ही नहीं होता है बस कि खाने पीने. तो भाई चढ़ा हुआ इस टाइम पेड़ में अखरोट के पेड़ को काटने के लिए. अखरोट झाड़े, अखरोट तो इसने झाड़ लिए थे, बोलते पेड़ को काट लेते हैं क्योंकि पेड़ ग्रोथ ही नहीं ले रहा था ना, तो इसी वजह से फिर अखरोट भी कम लग जाते हैं. तो इसी वजह से भाई ने देखिए सारा पेड़ काट दिया है और जो उसका मटेरियल बचेगा ना फ्रेंड्स, उसको जो है वाड़ के लिए लगा दिया जाएगा जब हम टमाटर का लगाएंगे ना, तो इसलिए इसकी छांग कर रहे हैं मम्मी पापा यहाँ पर ना. तो ये देखिए सारा कुछ नीचे आ गया है. ये देखिए मेरी कज़न है ना, मेरे चाचू की बेटी, उसने मेरे वो मेरी बेटी के साथ खेल रही है. तो ये देखो इनका खेल चल रहा है यहाँ पर. और यहाँ पर देखिए इस तरह का व्यू है हमारे घर के पास का. लगा लो साईं चप्पल लगा लो पीछे. और ये देखिए यहाँ पर एक डुगू बैठा है. और अगर बात करूँ मैं अपने एलोवेरा की, तो ये देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे. और ये देखिए फ्रेंड्स मम्मी पापा का हार्ड वर्क. तो हम लोग ना मतलब वाड़ लगाना ना अपने खेतों में, तो उसके लिए छान भी बना रहे हैं और अखरोट भी हो जाए. ये है मेरी चाची का बेटा. हाय कर. हाय. कैसे बोले आप सब? आप सब कैसे हैं? शर्मा जाइए. और मैं बैठी हुई फ्रेंड्स टाइम सीढ़ी के ऊपर ना यहाँ पे मैं. और ये है मेरी भाभी का बेटा, इसका नाम है, आपका नाम क्या है? क्या दिव्यांश है. और प्यार से बोलते इसको दीक्षु. हाय दीक्षु, बोलो. हाय बोलो. कैसे बोले आप? कैसे आप सब बोले? अरे देखिए ये भी बोला. और इसको बोलना भी नहीं आ रहा इतने बड़े बच्चे को. दीक्षु बोल दे कुछ. दीक्षु बोल हाय. हाय फ्रेंड्स बोले. और फ्रेंड्स अब आ गई. और मैं अब आ गई लेंटर के ऊपर ना, क्योंकि भाई गिरा यहाँ पर कर रहे हैं लेंटर के ऊपर सारा ना, और सारा निकाल दिया भाई. ये देखो आप लोग. और यहाँ का व्यू बहुत सुंदर रहता है. और ये है मेरी कज़न है ना प्राची. और प्राची आई है मेरी वीडियो बनाने के लिए. बोलो दीदी मैं आपका वीडियो बना देती हूँ और आपने जो भी वीडियो बनाना है वो आप लोग बना लो. अभी शाम के बज रहे हैं 6:45 और मैं जा रही हूँ मम्मी के पास. मम्मी गए हैं घास के लिए, तो मैं उनके पास जा रही हूँ. हमारा रास्ता जहाँ से मुझे जाना है. और अब मैं मम्मा के पास तक पहुँचने वाली हूँ. और पीछे देखिए कैक्टस लगा है और इसमें बहुत ही टेस्टी फ्रूट लगता है जिसको हमारे बोलते हैं सुर. आप लोगों में से कहाँ कहाँ क्या क्या वो लगाता है प्लीज़ आप लोग कॉमेंट सेक्शन में उनको ज़रूर लिखिएगा. और यहाँ पर कुछ लगा ही नहीं है, तो कुछ ऐसा खाने के लिए है ही नहीं. और अब मैं पहुँच चुकी हूँ खेत में हमारे, यहाँ पर मम्मा काट रहे घास. हेलो मम्मा. सो ये देखिए फ्रेंड्स पूरे खेत में बीन लगा है और वहाँ पर देखिए आगे मम्मा काट रहे घास. ये देखिए मम्मा ने पूजा कर दिया. कितने बिंटे काट दिए मम्मा? 7 बिंटे मम्मा ने काट दिए. कितने बिंटे मम्मा काटने के लिए? चलिए फिर तो मम्मा ने तो घास काट के फारी गया है, वरना मैं सोचा मैं भी काट दूंगी मम्मा के लिए घास.
बट मम्मा ना, मेरे मम्मा सीरियसली आप यकीन नहीं करोगे, मेरे मम्मा बहुत ज़्यादा फास्ट घास काटते हैं, तो मम्मा तो घास काट के फारिग है, तो मेरा कोई सेंस बनता ही नहीं है। मैं बहुत वक्त बाद आजकल गांव आई हुई हूँ और मेरे को बहुत अच्छा सा फील भी हो रहा है क्योंकि हरियाली दिख रही है यार। रूम में ना अंदर अंदर रह के ना पक गए हुए थे, मम्मी ने कहा था बोलते एक दिन के लिए आ लो, और मेरी मम्मी थोड़े से बीमार भी थे तो दो काम कर रही थी मैं एक साथ। मैं कहा चलो मम्मी को भी देख के आ जाते हैं, अपना एक ब्लॉग भी बना लेते हैं और आप लोगों के साथ हरियाली में बातचीत भी कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी रस्सी लाना भूल गए। तो ये देखो बेल काट के मम्मी ले आई, इससे मम्मी इसकी एक रस्सी सी बना लेंगे जिसमें जो है जो मम्मी ने घास काट रखा है उसको उसमें बांध लेंगे, तो जुगाड़ू काम चलता है भाई गांव में, तो बिना रस्सी से भी रस्सी बना ली जाती है। थे गोबर मतलब ओबरों से हमारे ना, क्योंकि शाम के टाइम भी हम गोबर हटाते हैं ताकि साफ रहे ओबरे ना। और इस टाइम हमारे ताई जी आए हुए थे बैठने के लिए मेरे पास ना, मेरे से मिलने आए थे, बोलते मैं जैसे मिल लेती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद मायके गई थी ना, तो बस यहाँ पर हम चाय चुए पी रहे थे। और साई अपने नाना नानी को बोला था, अपने नानू को स्पेशली बोला था कि मुझे लगानी है नेल पेंट, और मेरे पापा ये देखिए उसको लगा रहे हैं नेल पेंट ना, और ताई बहुत ज़्यादा खुशी देखिए। हेलो करो, हाय करो, बाय। साईं बोल रहा है बाय, कोई बोल रहा है हाय। तो अभी शाम के 6:30 हो रहे थे और साईं आया था चीची लेके अपने नानू के साथ। साईं और मम्मी खा रहे इस टाइम सॉफ्ट, क्या लाए हुए, ये आइसक्रीम है, देखो साईं खिला रहा अपनी नानी को आइसक्रीम। साईं आप भी खा लिया? हेलो जी, हेलो, साईं खा रहा है कॉर्नेटो। तो मैं आई थी अपने माइक के फ्रेंड्स अपने मम्मा को देखने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मा थोड़ी सी बीमार थे, तो बस अब हम लोगों ने निकलना है थोड़ी देर के बाद। तो साईं बहुत ज़्यादा खुश रहता है जब यहाँ होता है ना, नाना नाना नानी के पास आया हुआ, आपको पता ही है बच्चे कितने खुश रहते हैं नाना नानी के पास ना। तो आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सेफ रहे आप लोग।